एवरीवन दिस इज कौशिक वेलकम टू द सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज सो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ग्रुप थ्योरी में एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो की डिमांड की थी ग्रुप थ्योरी हम स्टार्टिंग से पहले से पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे मतलब कंप्लीट ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी बट इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप्स है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट को कवर कराऊंगी ठीक है तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप के एग्जाम्पल ले लेते हैं जो थोड़े डिफरेंट है मैं यहाँ पे आपको पूरा पॉइंट ग्रुप निकालना नहीं बता रही हूँ कि मैं वो पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी अगर आपको नहीं आ जाए तो आप वहां से कर सकते हैं बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो देखो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तो देखो इस तरह के जो भी कंपाउंड होते हैं जो कि कैसे होते हैं लीनियर होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसे ही आपको एच भी मिलेगा ठीक है एच हुआ ये सभी सभी ऐसे लीनियर कंपाउंड जो कि हेट्रो एटोमिक हो मतलब आपके यहाँ पे इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं होता और दोनों ही कैसे होते हैं हेट्रो एटोमिक होते हैं उस कंडीशन में वहां पर कौन सा आपका होगा सी इन्फाइनइट भी होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन हो जाता है कई बार क्योंकि आ, अगर आपका ऐसा होमो एटॉमिक लीनियर एटम होता है जैसे कि CO2 टू हुआ तो देखो CO2 टू में क्या है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसके अलावा आपका एच टू हुआ एन टू हुआ इन सभी का अगर आपको पूछता है तो वो जैसे कि ये सारे क्या है होमो एटॉमिक है तो इनमें होता है डी इनफाइनाइट एच और जितने भी हेट्रो एटॉमिक होते हैं उनमें कौन सा होता है सी इनफाइनाइट भी एक जो मोस्टली पॉपुलर एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है सिस एंड ट्रांस एच टू ओ टू में इसकी जगह आपको एन टू एफ टू भी दे सकता है मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर वाले पूछ सकता है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपका सिस प्रोडक्ट है ठीक है सिच टू ओ टू है उसमें होता है आपका सी टू भी और जो ट्रांस होता है उसमें आपका होता है सी टू एच इतना सा आपको याद रखना है तो देख ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल बेंजीन आपसे जब भी पूछता है तो बेंजीन का आपका जो होता है वो होता है आपका डी सिक्स एच तो देखो बेंजीन में आपको याद रखना है कि डी सिक्स एच होगा हम इसमें कई बार गलत कर देते हैं और पीरियडिन का होता है आपका सी टू वी पीरिडिन का बहुत सिंपल होता है सी टू वी होता है जबकि दोनों आपको सिमिलर स्ट्रक्चर लगेगी बट ऐसा नहीं होता बेंजीन का अलग होता है नेफ्तेन नेफ्तेन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेफ्तेलिन का होता है आपका डी टू एच ठीक है नेक्स्ट इज आपका बायोफिनाइल तो so देखो बायोफिनाइल का होता है डी टू क्यों क्योंकि ये जो होते हैं ना बा, रिंग्स आपने में पढ़ा होगा एक दूसरे के आ, एंटी प्लेनर होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं ठीक है, है? इसलिए इनका कैसा होता है डी टू डी होता है ये सारे जो वही मैं बता रही जो इंपॉर्टेंट है एक आपको साइक्लोप्रोपेन का भी पूछता है देखो कोई भी सब्सिडेंट जब नहीं लगा होता तो यहाँ पे इसका होता है डी थ्री एच होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोट एंड चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की बोट एंड चेयर फॉर्म दोनों का ही पॉइंट ग्रुप अलग अलग होता है अगर आपको बोट फॉर्म का पूछता है तो उसका होता है सी टू वी और यही अगर आपको चेयर फॉर्म का पूछेगा तो उसका होता है डी थ्री डी आपको ये नॉर्बोरन टाइप सिस्टम बार बार पूछे जाते हैं तो देखो इनकी इसकी सिमेट्री समझने का ये है कि देखो एक कार्बन कहाँ है आपका आउट ऑफ द प्लेन है आप इसको यहाँ से कट करोगे ना तो देखो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो उल्टा कर सकते हो तो इसमें 180 डिग्री का रोटेशन हो सकता है तो एक सी टू एक्सेस प्रेजेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग इसका एक तो कैसा होगा वर्टिकल प्लेन होगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा जिसमें हम इसको कुछ इस तरह से काटेंगे तो दोनों ही प्लेन में ये इस कार्बन के थ्रू प्लेन होंगे एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल तो टोटल टू प्लेन और सी टू के अकॉर्डिंग है इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा आपका सी टू भी बाइफिनल मैंने बता चुकी हूँ एक ये स्वस्तिक आपको पूछ सकते हैं देखो स्वस्तिक मोस्टली पूछा चांद से पूछने का तो इसका इसका पॉइंट ग्रुप होता है आपका डी फोर एच अब देखो इसमें आप ऐसे याद रख सकते रखिए इस कार्बन से कितने हैं वन टू थ्री एंड फोर है, है इसलिए इसमें डी फोर एच आया अब इसको मान लो थोड़ा मॉडरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक पार्ट दे दिया तो इसका अगर आपको पूछेंगे तो आप इसका क्या कर दोगे डी टू एच ठीक है यहाँ पे टू है इसलिए इसका डी टू एच हो गया देखो इसी का एक मॉडरेट एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है तो अगर इस स्वस्थिक को थोड़ा मॉडरेट किया तो इसका इसका पॉइंट क्या होता है डी थ्री एच होता है एलिन सिस्टम आप पहचानते ही एलिन्स में कौन सा होता है डी So, देखो जो एलिन हुआ और बाईफिनाइल हुआ इन दोनों का ही क्या होता है डी टू डी होता है और डी थ्री डी किसका होता है डी थ्री डी मैंने आपको भी बताया था कि जो चेयर फॉर्म होती है साइक्लो एक्सिन की उसका डी थ्री डी होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट आपका एच थ्री बी होती है बोरिक एसिड इसका जो पॉइंट होता है वो होता है सी थ्री एच नेक्स्ट यहाँ पे आपको फेरोसिन पूछ सकता है तो फेरोसिन की भी देखो दो स्ट्रक्चर होती है इक्लिप्स एंड स्ट्रगट सो तो देखो मोस्टली फेरोसिन आपको कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही देता है इक्लिप्स फॉर्म कैसी होती है कि अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे की दोनों का ही जो अ जो टर्मिनल पॉइंट है मतलब जो फेस पॉइंट है वो कैसा है सेम डायरेक्शन में तो ये कैसी है इक्लिप्स है समझे मेरी बात जब हम इक्लिप्स बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं हम कुछ इस तरह से बनाते हैं देखो हमारा इक्लिप्स भी ऐसे ही होता है ना कि आपको पीछे वाला कार्बन बैक साइड कार्बन दिखे नहीं एक दूसरे को कवर करने तो दोनों कैसे होंगे सेम होंगे तभी तो एक दूसरे को कवर करेंगे अगर सेम नहीं होंगे जैसे कि अगर दोनों हाथ है अगर दोनों हाथों को आप रखोगे तो दोनों थम अपोजिट डायरेक्शन में हारे हैं तो ये कवर नहीं हो रहे हैं तो ये इक्लिप्स फॉर्म नहीं है ऐसे ही स्टैगर्ड फॉर्म होती है जिसमें दोनों कैसे होंगे कि आपको इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट अपोजिट साइड होगा साइड होगा जैसे कि देखो एक स्टैगर्ड में हम कुछ इस तरह का बनाते हैं दोनों ही कार्बन के सब्सिडेंट आपको विजिबल होते हैं तो ये हुआ स्टैगर्ड तो इक्लिप फॉर्म का तो पॉइंट ग्रुप होता है आपका डी फाइव एच ठीक है डी फाइव तक तो आपको समझ में आ जाएगा एच क्योंकि ये इक्लिप्स है इसलिए एच आ जाएगा और स्टैगर्ड में क्योंकि ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं इसलिए कैसे होंगे डी फाइव डी नेक्स्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन इन एबसेंट इन इतने सारे पॉइंट ग्रुप दिए आपको पूछा है कौन से में absent होगा सो देखो अब मुझे भी लग रहा है कि पॉइंट ग्रुप्स तो आते हैं बट पॉइंट ग्रुप में कौन सा सिमेट्री एलिमेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि अब आपको थोड़ा पूछे कि, कि किस में प्रेजेंट है किस में प्रेजेंट नहीं है तो so, देखो बहुत ईजी है इन सभी एग्जाम्पल में निकालने का मैं आपको बताती हूँ सिर्फ ये आपके लिए अप्लाई करेगा जिसमें आपका एक तो सी और एच हो या फिर डी एच हो ठीक है सी एच या डीएच वालों में अप्लाई होगा जितने भी आपके इवेंट नंबर वाले होते हैं इवेंट नंबर वाले सी एच या डीएच होंगे ये डी टू डी वगैरह में काम नहीं करता ठीक है सी एच हुआ या फिर आपका डीएच uh, हुआ ठीक है उन्हीं में अप्लाई करेगा तो जो इवेंट नंबर है जैसे कि आपका सी टू एच हुआ सी फोर एच हुआ सी सिक्स एच हुआ डी डी टू एच हुआ डी फोर एच हुआ ठीक है इन सब में क्या होता है आपका आई प्रेजेंट होता है ठीक है और जो ऑड होते हैं उनमें आई एबसेंट होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑड नंबर डी थ्री एच में आई एबसेंट होगा ठीक है नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो इसमें आपको डी थ्री एच वाला कंसेप्ट भी समझ आएगा ठीक है जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल हुआ डी थ्री एच का तो डी थ्री एच में जब मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड और एक फॉर्म बताई थी तो यहाँ पे आपका डी थ्री एच है इसमें आई प्रेजेंट नहीं आई क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब जाओगे तो आपको सेम एटम मिलेंगे पर आप यहाँ से जाओ अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है ना तो इसमें क्या है आई एबसेंट है और यही जब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो डी थ्री डी में आई प्रेजेंट होता है क्यों क्योंकि दोनों हाइड्रोजन कहा है अपोजिट साइड है तो इसमें क्या है आई इज प्रेजेंट ठीक है और ये दोनों दो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी थ्री डी किसमें होगा एंड डी थ्री एच किसमें होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आपका ट्रोपोलिनियम आयन तो ट्रोपोलिनियम आयन में आपका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है डी सेवन एच ठीक है जैसे बेंजिंग में डी सिक्स एच होता है वैसे ट्रोपोलिनियम में आपका क्या हो जाएगा डी सेवन एच हो जाएगा एक साइक्लो ऑप्टर ट्राई इन पूछता है तो देखो साइक्लो ऑप्टर ट्राई इन में आपका होता है डी टू डी पॉइंट ग्रुप ठीक है एक आपसे कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है ठीक है आजकल इसका भी ट्रेडिशनल है तो मुझे दो इंपॉर्टेंट लगते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल तो देखियो फेशियल मैं आपको कैसे बताऊं इस स्ट्रक्चर को देखो फेशियल का दैट मीन कि uh, तीन ग्रुप ऐसे होंगे जो एक फेस एक साइड की फेस पे होंगे और तीन ग्रुप जो होंगे वो दूसरी साइड की फेस पे होंगे फॉर एग्जाम्पल इसको ध्यान से देखो ये आयरन है ये सभी क्या है ब्रोमिन आउट ऑफ द प्लेन है आउट ऑफ द प्लेन है देखो ये आउट ऑफ द प्लेन है ठीक है और सभी क्लोरीन कहाँ है आपके बिलो द प्लेन तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या और आयरन कहाँ है बीच में तो so, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं फेसियल एक एक तरह के सब्सिट्यून कहाँ है आप लाइगेंड कहाँ है एक फेज में ठीक है तो इसमें आपका पॉइंट ग्रुप कैसा होता है सी थ्री वी क्यों क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो तीन बैक साइड है तीन फ्रंट साइड है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ एन एच थ्री के टाइप हो गई राइट आप इसको रोटेट कर सकते हो तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा सी थ्री वी हो जाएगा पर यही आपको अगर मैरी डोनियल पूछता है तो मैरी डोनियल में क्या होता है आपका देखो मेरी डोनियल इज लाइक दिस कि आपके दो जो ग्रुप है ना दोनों ही तरह के लाइगेंड में दो ग्रुप तो कहाँ पे होंगे आपके प्लेन में होंगे और दोनों का एक एक ग्रुप कहाँ होगा आउट ऑफ द साइड और एक बिलो द साइड सो so, देखो जैसे ये आउट ऑफ द साइड है क्लोरिन तो ये कुछ इस तरह से होगा ठीक है और जो ब्रोमीन है वो कुछ इस तरह से अटैच होंगे तो so, ये हुआ आपका मेरिडोनियल फेस तो so, इसका आपका पॉइंट ग्रुप क्या आता है सी आता है ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये कुछ रिविजन के लिए थे बाकी भी आप अच्छे एग्जाम्पल चेकआउट कीजिए पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है थर्ड टाइप जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल डिफरेंट है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से है राइट डाउन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन आपको करवाना है जनरल जो आपके पॉइंट होते हैं एक्स वाई एंड z का सो देखो इसको करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम सी टू रोटेशन करवाते हैं किसी भी एक्सेस के थ्रू जैसे इमेजिन कि मैं y के थ्रू करवा रही हूँ तो उस एक्सेस को छोड़ के बाकी दोनों की आ, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो ये क्या माइनस एक्स वाई माइनस जेड हो जाएगा ठीक है पर यही अगर मान लो कि एक्स वाई एंड जेड में मैं कोई प्लेन डाल रही हूँ ठीक है सिग्मा किसी भी प्लेन के थ्रू डालते हैं जैसे कि मैं y, जेड के थ्रू डाल रही हूँ तो यहाँ पे y, जेड दोनों को छोड़ के जो थर्ड बच गया वो क्या हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों का प्लस कॉन्फिग्रेशन ही रहेगा बट अगर हम यहाँ पे इन्वर्जन करवाते हैं ठीक है तो उस कंडीशन में तीनों की ही सिमेट्री क्या होती है चेंज हो जाती है माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका जो एक्स वाई एंड जेड है इस इसपे सबसे पहले हमने रोटेशन करवाया ठीक है किसके थ्रू वन जेड एक्स के थ्रू uh, तो ये आपका क्या हुआ सी टू जेड हुआ तो आपको सिर्फ जेड को छोड़ना है और बाकी दोनों को चेंज करना है माइनस एक्स माइनस वाई एंड जेड और इस पे आपने सेकेंड फॉलो बाय किसके थ्रू रिफ्लेक्शन हुआ आपका वाई जेड के थ्रू ठीक है वाई जेड के थ्रू रिफ्लेक्शन हुआ तो आपको क्या मिला वाई और जेड को सेम रख दो और इसको इन्वर्ट कर दो तो ये क्या आया आपका एक्स ये माइनस वाई और जेड दिस विल बी योर फाइनल मैट्रिक्स इसका इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी है नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे कैरेक्टर डेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ठीक है थीके? अभी हम बेसिक ग्रुप थ्योरी कर रहे थे अब हम थोड़ा एक एक करके एडवांस जाते, जाते जाएंगे ठीक है देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सी थ्री वी की टेबल दी हुई है आपको पूछा है कि इसका ए रिड्यूसीबल रिप्रेजेंटेशन बताओ और आपको इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दी हुई है तो देखो ए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एन आई इज इक्वल टू वन अपॉन एच सिकमा एन आई ए यहाँ पे एन क्या होता है नंबर ऑफ ऑपरेशन मतलब यहाँ पे आपका जो भी ए एलिमेंट है उसके आगे जो भी डिजिट लगी होती है वो उसका नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है जैसे कि ई e की ऑपरेशन हमने कितनी करवाई वन टाइम सी थ्री टू टाइम्स सिग्मा थ्री टाइम तो ये इनका नंबर ऑफ ऑपरेशन हुआ आई यहाँ पे डिनोट करता है जो इसका कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि मान लो मैं ए वन का निकाल रही हूँ तो यहाँ पे एवन के क्या क्या वैल्यू है वन 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 राइट और जब यहाँ पे आपका ए बताता है यहाँ पे इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर को रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको इस क्वेश्चन में तो गिवन है पर कुछ, कई बार आपको गिवन नहीं होती है hmm. तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि सबसे पहले हम सभी के लिए निकाल लेंगे जैसे कि मैंने ए वन के लिए निकाला तो so, देखो एच यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर है ऑर्डर uh, कितना होता है जितने भी टोटल सीमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो सारा ऑर्डर होता है जैसे कि यहाँ पे देखो काउंट करो तो यहाँ पे कितने हैं वन ये टू और ये थ्री टोटल कितने हैं सिक्स तो ये आपका एच इक्वल टू क्या आया सिक्स आया अब इन सबको सिग्मा आपको ऐड करते जाना है एवन के लिए सबसे पहले हम इसका यहाँ से चलो रिड्यूसिबल से ले लो फर्स्ट क्या है आपका सिक्स इंटू क्या करोगे वन इंटू ई के आगे कुछ भी नहीं है कॉफिशियंट तो यहाँ पे क्या लोगे वन प्लस करो नेक्स्ट देखो थ्री इंटू फिर वन इंटू टू ठीक है प्लस करो जीरो इंटू वन इंटू थ्री ठीक है फिर सबको ऐड कर दो वन बाय सिक्स यहाँ पे कितना आया सिक्स प्लस सिक्स प्लस जीरो तो यहाँ पे ट्वेल्व बाय सिक्स तो टोटल कितना आया टू ए वन सो ए वन कितना होना चाहिए आपका टू होना चाहिए जब इतना निकल जाए तो एक बार ऑप्शन चेक कर लो कि टू ए वन किस किस में है तो देखो फर्स्ट एंड फोर्थ में ही ए वन है तो इससे आपका ये क्लियर हो गया कि सेकेंड एंड थर्ड तो ऑप्शन नहीं है ठीक है ऑप्शन देखना इसलिए जरूरी होता है आपका टाइम क्योर होता है इसके बाद में ए टू एंड ई का भी इसी तरह से निकाल के देखोगे जब आप चेकआउट करोगे तो आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यही करेक्ट आएगा ई e की वैल्यू वन टाइम्स आएगी और आपकी ए टू की वैल्यू भी आएगी अगर देखो अगर आप ए टू निकाल लोगे तो वही आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर वन ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपके कई सारे कंसेप्ट एक साथ में क्लियर हो जाएंगे इसमें आप, आपको डी थ्री एच की टेबल दी थी बी सी एल थ्री के रेस्पेक्ट में दी थी आपको मॉलिक्यूल साथ में दिया था कई बार आपको नहीं देता है तो आपको उसका एग्जाम्पल लेके खुद ही चलना पड़ता है ऑप्शन दिया है कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है आई आर एक्टिव एंड रमन एक्टिव मोड्स के लिए है कि कौन सा आपका इन रिड्यूसीबल रिप्रेजेंटेशन आई आर या रमन होगा तो ये निकालने से पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ भी निकालने से पहले आपको इ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा तो पहले हम वही देखते हैं देखो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है आप फॉर्मूला तो क्या होता है इसके लिए आपको सभी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं इन सभी को मॉलिक्यूल पे अप्लाई करके देखना पड़ता है ठीक है और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि एटम कितने अनशिफ्टेड है तो जैसे कि मेरा ये एग्जाम्पल है बी सी एल थ्री तो सबसे पहले हम इसके अनशिफ्टेड एटम निकालेंगे सबसे पहले ऑपरेशन है ई e. जब मैंने ई e अप्लाई किया यानी कि कोई भी सिमेट्री अप्लाई नहीं की तो सभी मोलिक एटम कहाँ रहेंगे उनकी पोजिशन पर रहेंगे तो अनशिफ्टेड एटम कितने हुए फोर सी थ्री सी थ्री यानी कि ये वाला एक्सेस कि मैं इसको कुछ इस तरह से घुमा रही हूँ रोटेट कर रही हूँ तो ये सिर्फ जो आपका बोरोन है सिर्फ वही क्या रहेगा अनशिफ्टेड रहेगा बाकी तीनों शिफ्ट हो जाएंगे तो अनशिफ्टेड ऐटम कितने आए वन, वन C2. C2, कि से मैंने रोटेट किया मैंने इस एक्सिस के थ्रू रोटेट किया तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे बट जो अनशिफ्टेड है वो कौन से हैं? ये दोनों आइटम अनशिफ्टेड है तो इनका नंबर कितना आएगा आपका अनशिफ्टेड आइटम टू सिग्मा एच सिग्मा एच यानी कि मैंने ये प्लेन डाला देखो इस तरह से मैंने प्लेन डाला सिग्मा एच यानी कि इसको कुछ इस तरह से मैंने कट कर दिया तो इस कंडीशन में देखो सिग्मा एच की कंडीशन में कोई भी एटम शिफ्ट नहीं होता है तो यहाँ पे अनशिफ्ट एटम कितने आएंगे फोर एस थ्री एस थ्री निकालने के लिए सिंपल सा है कि एस थ्री भी वही होगा जो जितने आपका सी थ्री आएगा वही एस थ्री आएगा तो वैल्यू कितनी आएगी वन सिग्मा वी सिग्मा वी के लिए देखो सिग्मा वी मतलब मैंने इसको कहीं से भी काटा मैंने इसको इस तरह से काटा वर्टिकली यहां से काटू यहाँ से काटू यहाँ से काटू तो कितने एटम अनशिफ्टेड रहेंगे दो एटम एक तो बोरोन और एक आपका क्लोरिन तो यहाँ पे अनशिफ्टेड रहेंगे कितने तो आएंगे टू अब हम बात करते हैं इनके कॉफिशियंट की सबका कॉफिशियंट अलग अलग होता है पहले हम वो देख लेते हैं फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे की बात करोगे तो देखो जो ई होता है उसका कॉफिशियंट होता है थ्री हमेशा थ्री होता है और जितने भी सिग्मा है जैसे कि मान लो कि आपका सिग्मा बी है सिग्मा डी है सिग्मा एच है सभी का काफिशियंट वन होता है सी टू के के केस में एक फॉर्मूला होता है टू कॉस्ट थीटा प्लस वन और एस एन के लिए होता है टू कॉस्ट थीटा माइनस वन जब आप इस वैल्यू इसमें वैल्यू पुट आउट करते हैं तो आपको आ, कुछ वैल्यू इस तरह से मिलती है सी टू सी थ्री एंड सी फोर के लिए माइनस वन जीरो एंड प्लस वन और एस टू एस थ्री एस फोर के लिए माइनस थ्री माइनस टू एंड माइनस वन कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी अब देखो कॉफिशियंट आपने देख लिए e का कॉफिशियंट कितना होता है थ्री C3 का काफिशियंट कितना होता है जीरो C2 का काफिशियंट कितना होता है माइनस वन सिग्मा का कॉफिशियंट वन होता है S का S3 है यहाँ पे S3 का कॉफिशियंट कितना हो जाएगा आपका माइनस टू और सिग्मा V का भी कॉफिशियंट कितना होगा वन तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा ट्वेल्व जीरो माइनस टू फोर माइनस टू एंड टू ये आपका क्या आ गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इससे आप क्या निकालोगे इ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में उसके थ्रू निकाल के देखना कितनी वैल्यू आएगी तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी इ रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की आएगी ए वन ए वन वन ए टू थ्री ई डैश टू ए टू डबल डैश एंड वन ई डबल डैश अब इसमें से पहले आपको आई आर एंड रबन निकालने के लिए और आपको वाइब्रेशनल मोड निकालने पड़ते हैं और वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए आपको इसमें से ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड को क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है तो देखो ट्रांसलेशनल मोड क्या होते हैं जिसके आगे क्या लिखा हो एक्स वाई एंड जेड लिखा हो वो ट्रांसलेशनल हुए रोटेशनल हुए जिनके आगे आर एक्स आर वाई या आर जेड लिखा हो इनको आपको इसमें से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेंगे वाइब्रेशनल मोड मिलेंगे तो so, इसके लिए हम मूव ऑन करेंगे कैरेक्टर टेबल पे अगर आप देखोगे आप पहले तो ये देखो कि आपके एक्स वाई जेड एंड कहाँ पर तो देखो एक्स वाई एंड जेड किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए टू डबल डैश एंड ई डैश को और रोटेशनल कौन कौन से हैं ए टू एंड ई ई टू डबल डैश तो हमारे जो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोड है इनको जब हम माइनस करेंगे तो आपको जो वाइब्रेशनल मोड मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपका ए वन दे ए वन प्लस ए टू तो हमने माइनस कर दिया ठीक है थ्री ई डैच में से माइनस हुआ वन ई डैच तो कितना आया टू ई डैच प्लस में आपका क्या आया ए टू डबल डैश ठीक है इन दोनों को हमने इसमें से माइनस कर दिया है अब वाइब्रेशनल मोड का ही पार्ट होता है आई आर एंड रमन एक्टिव मोड ये इंपॉर्टेंट है जो इसका पार्ट नहीं है वो आई आर एंड रमन एक्टिव भी नहीं हो सकता दैट मीन कि अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो ए टू इसका पार्ट नहीं है राइट ए टू इसका पार्ट नहीं है साथ में ई डबल डैश भी इसका पार्ट नहीं है ये दोनों यहाँ से रिमूव हो गए तो आपका जो आई आर एंड रमन एक्टिव मोड है वो ए वन ई डैश या फिर ए टू डबल डैश ही होगा ठीक है आपको सिर्फ यही चेकआउट करना है अब आ जाओ कैरेक्टर टेबल पे अगर आप देखोगे तो एवन आप ये अगर ब्लॉक देखोगे तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ये बताता है आई आर एक्टिव मोड को ये बताता है रमन एक्टिव मोड को जहाँ पे भी कोफिशियंट लिखा होता है रमन एक्टिव में वो सारे क्या है रमन एक्टिव है कौन कौन से आपका ए वन आपका ई e डैश और आपका ई e टू डबल डैश ठीक है ये आपका आई आर एक्टिव को बताता है आई आर एक्टिव आप ऐसे भी आपको ये तो कंडीशन देखनी है कि वो वाइब्रेशनल मोड का हो साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आई आर एक्टिव कभी भी रोटेशनल से बिलोंग नहीं करता दैट मीन कि ये जो आर एक्स एंड आर वाई आर जेड वाली वैल्यू है ये आई आर एक्टिव नहीं होती एक्स वाई एंड जेड वाली वैल्यू ही आई आर एक्टिव हो सकती है सो so आपका जो आई आर एक्टिव मोड आएगा वो कौन कौन आई आर ए रमन एक्टिव मोड आएंगे वो आएंगे ए वन और क्या आएगा आपका तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है कि ए टू डैश जो है आपका वो ना इधर आई आर नमन एक्टिव है सो ए टू डैश तो कहीं आपको दिया ही नहीं है आपको ए टू डबल डैश दिया ए टू डैश ही ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है आपका ए वन डैश ए वन डैश रमन एक्टिव है तो so देखो ए वन दिया है यहाँ पे ए वन डैश भी नहीं है तो so ये ऑप्शन भी क्या हो गया इनकरेक्ट अब देखो सी और डी में है कि सी ऑप्शन क्या कहता है कि ई e डैश आपका आई आर एंड रमन एक्टिव है जो ई e डैश है वो आपका आई आर और रमन एक्टिव है ये हमको सही लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है और जो ए टू डबल डैश है वो आपका आई आर एक्टिव है तो सही है इसके आगे आई आर ब्लॉक में जेड लिखा हुआ दैट मीन ये आई आर एक्टिव है और दोनों ही अगर आप बात करोगे तो वाइब्रेशनल मोड के भी पार्ट है तो अब दोनों कंडीशन में आपका आंसर कौन सा होगा तो देखो इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा इसकी स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर कैसी है कि यहाँ पे प्लस एंड माइनस लिखे हुए माइनस दैट मीन कि ये सभी कहाँ है आउट ऑफ द प्लेन है और ब्रोमीन आपका कहाँ है कुछ इस तरह से अंदर चला गया तो ये किस एक्सिस के थ्रू गया है जेड एक्सिस के थ्रू दैट मीन कि ये स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड कर रही है आपके जेड एक्सिस पे डिपेंड कर रही है तो इसके लिए आपको सिर्फ ये देखना होगा कि जेड एक्सिस वाला स्टेटमेंट कौन सा है अगर आप देखोगे तो जेड एक्सिस कहाँ है आपका ए टू डबल डैश के लिए सो तो ए टू डबल डैश वाला जो ऑप्शन है वही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रक्चर फैक्टर पे जाना पड़ा बाकी हमने सभी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली कि आई आर कौन सा होगा रमन कौन सा होगा रिड्यूसिबल कैसे निकालेंगे ए कैसे निकालेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका मुलिकिन सिंबल से मुलिकिन सिंबल दैट मीनिंग ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ना ए डैश ए डबल डैश बी डैश ये कैसे लिखते हैं उन्हीं को बोलते हैं हमारा मुलिकिन सिंबल तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन आपको इसका मुलिकिन सिंबल बताना है कि ये कौन सा मुलिन सिंबल होगा तो ये देखो इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है सबसे पहले हम ई e देखते हैं ई e की वैल्यू अगर वन है तो ये ए या बी हो सकता है और अगर ई e की वैल्यू टू है तो वह ई e आएगा थ्री है तो टी आएगा फोर है तो जी आएगा फाइव है, तो है तो एच आएगा यहाँ पे ई e की वैल्यू क्या है वन है सो तो देट मीन कि यहाँ पे क्या हो सकता है ए एंड बी हो सकता है ठीक तो है बाकी कुछ भी नहीं होगा फिर हम जाते हैं हमारा मेन प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल एक्सिस आपका कुछ भी हो सकता है सी टू सी थ्री कुछ भी ठीक है सी सिक्स भी हो सकता है उसकी आपको वैल्यू देखनी है कि अगर ये प्लस वन है तो तो क्या है आपका ए है और अगर ये माइनस वन है तो ये क्या है बी यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है प्लस वन दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा ए ठीक है माइनस होता तो बी आता फिर हम जाते हैं हमारे सेकेंड एक्सिस की तरफ देखो सेकेंड एक्सिस आपका जो भी है सी टू है बेसिकली वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसकी वैल्यू आपको देखनी है कि उसकी वैल्यू प्लस है या माइनस है अगर प्लस में है तो वन आएगा और माइनस में है तो टू आएगा यहाँ पे देखो माइनस में है दैट मीन कि यहाँ पे क्या आएगा टू तो ये क्या हो जाएगा ए टू समझ में आया और फिर हम देखते हैं आई को आई की वैल्यू हम देखते हैं कि प्लस में है या माइनस में अगर प्लस में आता है तो हम लिखते हैं जीरेड और माइनस आता है तो अनजेरेड यहाँ पे क्या है माइनस दैट मीन कि ये क्या है ए टू यू अनजीरेड आया फिर हम देखते हैं हमारा सिग्मा एच सिग्मा एच अगर प्लस होता है तो हम एक डैश का यूज करते हैं और अगर माइनस होता है तो हम डबल डैश का यूज करते हैं तो इसका जो मूल्यकिन सिंबल आएगा वो क्या आएगा आपका ए टू यू डबल डैश ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे थे एक ही कैरेक्टर टेबल से हम उन दोनों को करेंगे यहाँ पे देखो आपको डी टू एच की कैरेक्टर टेबल दी है और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहा है कि जो पाई यू ऑर्बिटल ऑफ इथिलीन है जब इनको एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ पे आ जाए एक्स एक्सिस पे आ जाए तो उस कंडीशन में आपका मुलिकिन सिंबल कौन सा होगा ठीक है तो आप देखो आपके इथिलिन मॉलिक्यूल के लिए अगर आप मुलिकिन सिंबल निकालोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो गया है इन्होंने क्या बोल खुद ही बोल दिया कि आपका जो डबल डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस पे आ गया आ, अलाइन हो गया है ठीक है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका एक्स एक्सिस कहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे एक्स कहाँ है यहाँ पे एक्स किसका कोफिशियंट है आपका बी वन यू का दैट मीन कि इसका आंसर क्या आएगा आपका बी वन ठीक है क्वेश्चन पूरा पढ़ने का ये प्रॉफिट होता है कि सीसी डबल बॉन्ड कहाँ है आपका एक्स एक्सिस में आ गया तो सिंपल इसका जो ऑर्बिटल होगा वो किससे किसके थ्रू चेंज हो रहा है एक्स के थ्रू जैसे कि हमने बीसीएल थ्री में किया था उसमें जेड एक्सिस मेजर फैक्टर था यहाँ पे एक्स एक्सिस मेजर फैक्टर है एक आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है कि आपको इनके ट्रांजिशन बताना है कि कौन सा ट्रांजिशन अलोड होगा ठीक है जो अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा अलो है कौन सी किस लाइट के थ्रू अलो है डिस अलो है तो देखो उसके लिए होता है कि आपकी जो दो ट्रांजिशन स्टेट दी हुई है बी वन यू एंड बी टू जी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा दो और इनका जो भी आंसर आए ठीक है थीके? जो भी आंसर आए जिस वो अगर आपको पूछता है कि वो किस उसके आगे जो भी एक्स वाई या जेड लिखा हो वो उसी लाइट के थ्रू क्या होगा अलोड होगा ठीक है अगर हम इसका बी वन यू और बी टू जी की मैं वैल्यू लिखूँ तो बी वन यू इज इक्वल टू वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन 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 ठीक है और बी टू जी की वैल्यू क्या है आपके वन माइनस वन वन माइनस वन 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 एंड माइनस वन ठीक है इनका मैं मल्टीप्लाई करते हैं सो so ये जो आपका फाइनल आएगा ये आप मैच करोगे तो ये देखो किसका है आपका वी थ्री यू का है वन ये देखो वन माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन 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 एंड माइनस वन और इसके आगे क्या लिखा हुआ है आपका जेड दैट मीन कि ये ट्रांजिशन अलोड है और किसके थ्रू है जेड पोलराइज लाइट के थ्रू अलोड है अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो ये क्या होता नॉट अलोड होता समझ में आया अगर मान लो ये इसका मल्टीप्लीकेशन आता आपका ए यू आता जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ दैट मीन यहाँ पे क्या होता है ये नॉट अलोड होता ठीक है एक्स वाई या जेड में से कुछ भी एक आपका कॉफिशियंट यहाँ पे लिखा हुआ होना कंपल्सरी है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपको एक दो फंक्शन देके पूछता है कि ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन से बिलोंग करेगा देखो ये बहुत इजी है हमने सिर्फ ब्यूटर इन के लिए यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं दोनों को ड्रॉ कर लो देखो सबसे पहले सभी सिमेट्री के ऑर्बिटल दैट मीन कि सबका प्लस साइड कहाँ होगा द प्लेन और माइनस कहाँ होगा बिलो द प्लेन फिर इस इसपे सभी सिमेट्री एलिमेंट को अप्लाई करके देख लो जब हमने ई अप्लाई किया तो सभी क्या रहेंगे सेम कंडीशन में रहेंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी वन फिर हम सी टू अप्लाई करते हैं सी टू अप्लाई करूंगी दैट मीन कि मैं इसको रोटेट कर रही हूँ 180 डिग्री से जब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगी तो ये सब क्या हो जाएंगे जो ऊपर थे वो कहाँ चले गए नीचे चले गए कुछ इस तरह से हो जाएगा देखो नीचे की साइड क्या आ जाएंगे आपके सारे प्लस कहाँ आ जाएगा नीचे की साइड आ जाएगा तो क्या हो गया इन्वर्ट सीमेट्री होगी दैट मीन कि यहाँ पे क्या आया माइनस वन सी टू की वैल्यू क्या आई माइनस वन है दैट मीन ये किससे है या तो बी वन से है या बी टू से है क्योंकि इन दोनों के लिए सी टू की वैल्यू क्या है वन एंड माइनस वन एंड माइनस वन है फिर देखो हमने अप्लाई किया सिग्मा वी सिग्मा वी यानी कि जिस जहाँ से हमने सी टू अप्लाई किया था वहीं से हम क्या कर रहे हैं सिग्मा वी डाल रहे हैं तो देखो जब हम इसमें सिग्मा वी डालेंगे उसी अप्लाई प्लेन से तो अगर हम इसको जस्ट तो भी क्या हो जाएंगे दोनों एकदम अपोजिट हो जाएंगे और आपको कुछ इस तरह का ही कॉफिशेंट मिलेगा तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी माइनस वन ठीक है तो सिग्मा वी भी क्या आया माइनस वन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेन नेक्स्ट प्लेन यानी कि जो मैंने वर्टिकल प्लेन डाला कुछ इस तरह से इसको बीच में से कट किया और ठीक है हॉरिजॉन्टली ना कट करके मैंने इसको बीच में से कट किया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये आपस में एक दूसरे को चेंज कर देंगे देखो इसकी मिल रेल में ये बनी इसकी ये बनी पर दोनों क्या है सिमिलर है ठीक है सेम टू सेम है ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा तब भी प्लस क्या है ऊपर रहेगा और ये ऑर्बिटल बिटल यहाँ आएगा तब भी प्लस क्या है ऊपर रहेगा तो यानी कि इसकी जब हम सेकेंड प्लेन डालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वन तो ये किसका है आपका टोटल वन माइनस वन माइनस वन एंड वन आपका बी टू से बिलोंग करता है जो आपका फर्स्ट फंक्शन है फाइव वन वो बिलोंग करता है बी टू से इस टाइप से अगर हमारा सेकेंड फंक्शन जिसके अंदर आपकी वैल्यू थी टू पी वन माइनस पी टू माइनस पी थ्री प्लस टू पी फोर यानी कि ये दो तो क्या है लास्ट सीमेट्रिक है और जो बीच वाले हैं वो एंटी सीमेट्रिक है ठीक है यहाँ पे प्लस ऊपर है प्लस ऊपर है यहाँ पे प्लस दोनों नीचे है अब मैं यहाँ पे ई अप्लाई करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी वन सी टू अप्लाई करेंगे सी टू यानी कि इसको वन एट डिग्री से रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा ये जस्ट अपोजिट जो प्लस ऊपर थे वो नीचे चले गए जो नीचे थे वो ऊपर आ गए तो देखो यहाँ पे आपको टो, टोटल मिलेगा वो क्या मिला चेंज हुआ दैट मीन कि यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन सी के ही एक्सेस में प्लेन डालूंगी तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी माइनस वन सेम चेंज होंगे वर्टिकली प्लेन डालू इस तरह से तो देखो क्या होगा ये दोनों आपस में कन्वर्ट हुए ये दोनों आपस में कन्वर्ट हुए पर प्लस प्लस यहाँ पे ऊपर है यहाँ पे भी माइनस माइनस ऊपर ही है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वन तो ये भी जो आपका फंक्शन है ये बिलोंग करता है बी टू से तो इस तरह से हम फंक्शन का निकालते हैं तो हमने आज के वीडियो में पॉइंट ग्रुप से लेके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और आपके कैरेक्टर टेबल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को रिवाइज़ कर लिया होपफुली आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग